अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अउन शिराजी आज खिदमत। नाजरीन, अमूमी तौर पे हम सियासत पे बात करते हैं, अंदर की खबरें आपके सामने लाते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जो स्टोरीज होती हैं इन प्लेटफॉर्म से, इन वीडियोज़ के जरिए आपके सामने पहुँचती हैं। लेकिन आज मैं खसूसी तौर पर फ़लस्तीन पर बात करना चाहता हूँ, कुछ हकाइक सामने लाता हूँ, और इसमें भी स्पेसिफिक फ़लस्तीन के जो हेड ऑफ मिशन हैं जी बरतानिया में, हसाम ज़मलोट, हसाम ज़मलोट ने एक इंटरव्यू दिया है। वैसे तो वो रेगुलर तौर पे फ़लस्तीन को ये जो मामला हुआ, ख़ास करके 7 अक्टूबर के बाद, 7 अक्टूबर को जो हुआ और मामला जिस अंदाज में आगे चल रहे हैं, वो रेगुलर तौर पे इंटरनेशनल मीडिया पे अपीयर हो रहे हैं। लेकिन जो आज मैंने उनको इंटरव्यू देखा है, मैं वो इंटरव्यू देख के हैरान रह गया। इतना कंसाइज, प्रिसाइज, टू द पॉइंट। और जो स्टीफन सेकर है जो इसके इंटरव्यू उनके कर रहे थे, वो असल में प्रोग्राम करते हैं हार्ट टॉक बीबीसी पे, और वो हार्ट टॉक आपने देखा होगा बड़ा सख्त किस्म का प्रोग्राम होता है। इसहाक डार जैसे लोग जाते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, वो कभी पसीने साफ कर रहे होते हैं, और खान साहब को भी वो शदीद टफ टाइम देते हैं। उन्होंने बताते हैं कि ये जनाब कोई साबर शाकर या चौधरी गुलाम हुसैन नहीं बैठा हुआ, स्टीफन बैठा हुआ है। तो उसमें जिस अंदाज में जनाब असाम ने मुकम्मल तौर पे नॉकआउट किया है एंकर को, मैं वहां पे जब ये इंटरव्यू बीबीसी चल रहा था, मैं बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए कहीं जा रहा था, तो एकदम थोड़ी सी मैंने आवाज दी सुनने के लिए, तो जब मैंने कुछ लाइन सुनी असाम की तो मैं वहीं पे बैठ गया। मैं क्या इंपॉर्टेंट काम साइड पे रखे यार, बंदे ने जिस अंदाज में अपनी नेशन को डिफेंड किया, कमाल है। वो जरा डिटेल में आता हूँ, आपको उसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात जरूर करूंगा कि जितने भी, ये सिर्फ पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस एकेडमी के लिए मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल रिलेशन का तालबिलम भी हूँ, इंटरनेशनल लॉ पे मैंने एक बुक भी लिख रखी है, तो ये मैं पूरी दुनिया की जो फॉरेन सर्विस एकेडमीज हैं उनको कह रहा हूँ, जहाँ पे मुकाबले के इम्तिहान देने के बाद स्टूडेंट आते हैं और वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं डिप्लोमेट बनने की। ये असाम ज़मलोट का जो आज के इंटरव्यू है, ये जरूर दिखाइए जो आज उसने बीबीसी पे दिया, यार इससे बेहतर आप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते, इससे बेहतर आप मतलब अल्फाज के जरिए जंग नहीं लड़ सकते। कहा जाता है ना कि जो डिप्लोमेट होता है उसका काम फौजी जर्नैल से ज्यादा होता है, उसने दूसरे के मुल्क में बैठ के बयानिए की जंग बनानी होती है, उसने बयानिए की जंग जो है वो जीतनी होती है। तो वो जनाब जो उसने कहा वो क्या कमाल उसने मतलब आज अपने मुल्क की वहां पे तर्जमानी की एक बीबीसी, पहले तो ये बता दूं बीबीसी ने वो इंटरव्यू बकायदा तौर पे एडिट करके चलाया है। ज़मलोट की बहुत सारी वो चीजें जो थी, वो जवाब जब दे रहा होता था तो उसे नजर आ रहा था कि वो आखिर में एडिटेड हुई हुई है, चीजें निकाली गई। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद ये बीबीसी थोड़ा सा बैलेंस कर रहा है कि वो एकदम उन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग की है इसराइल के हक में, तो उन पे तंकीद आई है, उसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन जनाब अली जो इंटरव्यू था कमाल था। अब जरा इंटरव्यू पे आते हैं, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप कंडेम करेंगे, यार बड़ी खूबसूरती से उसने जवाब दिया है। क्या आपको पता है कि जो है ना स्टीफन बड़ा एक्सपीरियंस है, 2010 में इसने ज्वाइन किया था बीबीसी को, वो फंसा लेता है। चार तो उसके प्रोड्यूसर हैं, मतलब पूरी तैयारी करके भाईजान फसाण आते, जब स्टीफन से कुछ भी ना बनाना तो वो तो फिर फलस्तीन की इंटरनल पॉलिटिक्स पे आ गया, फिर कहता है जी PLO हमास को ज्यादा गेन हासिल होगा, PLO ये वो। उसका भी जो उसने जवाब दिया है ना, उसने कहा यूनिटी ऑफ पर्पज है, यूनिटी ऑफ सफरिंग है, हम इकट्ठे सफर कर रहे हैं, इकट्ठे हमारी एक ही पर्पज है, और पर्पज क्या है उसने ये बताया है। बहरहाल जब उसे ये सवाल किया गया कि जनाब क्या आप जो है वो इसको कंडेम करते हैं, तो उसने बड़ी खूबसूरती से उसने पता है क्या जवाब दिया, मैं ये वीडियो भी अभी चलाता हूं, जरा वो आप उसका अंदाज भी देखिएगा ना जिस अंदाज में वो बात कर रहा है। वो कहता है कि जी हाउ मेनी टाइम्स इसराइल हैज कमिटेड वार क्राइम्स लाइव ऑन योर ओन कैमरास। ये अब वो कह रहा है, तुसी दी भाईजान जदू ये वजह मामला बनता ना मैनू बुला लैंदे हो। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इसराइल हैज कमिटेड वार क्राइम लाइव ऑन योर ओन कैमरा, डू यू स्टार्ट बाय आस्किंग देम टू कंडेम देमसेल्फ। अभी मतलब इसे क्या क्या खूबसूरत जवाब है ये। अच्छा, हैव यू डोंट
और फिर वो सवाल करने लगता है, वो कहता है हौसला भाईजान, यू नो व्हाई आई रिफ्यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई रिफ्यूज टू प्रीमाइज ऑफ इट, बिकॉज एट द वेरी हर्ट इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ होल थिंग, बिकॉज इट Palestinians that are always expected to condemn themselves. Come on, this is a political conflict. और फिर वो कहता है आप मुझे तब ही बुलाते हैं जब इसराइली मरते हैं, आप मुझे तब नहीं बुलाते जब 200 फलस्तीनी जो है वो मरे थे। और फिर उसने कहा कि 50 साल से फलस्तीनी मार रहे हैं, जो इसराइल के साथ अब हुआ ना हमारे साथ 50 सालों से हो रहा है, और पिछले तकरीबन 60 साल में 2 मिलियन जो फलस्तीनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर, यार क्या जुमला उसने इस्तेमाल किया, ओपन एयर प्रिजन में हम रह रहे हैं। तो जरा मेरा दिल है कि आप ये सुन लें, जरा उसका अंदाज, उसकी बात करने का जुमले, उसकी अग्रेसिवनेस, इंटरव्यू आपने जरूर देखना, मेरे जितने देखने वाले हैं मैं उनको कहूंगा कि ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि एक डिप्लोमेट जब बात करता है तो अगर वो पूरी तरह तैयार हो, ये वैसे इकोनॉमिस्ट थे, ये जो असाम जमलोट साहब थे ये इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट से डिप्लोमेट बने हैं, तो जब डिप्लोमेट बात करता है तो कैसे करता है, जरा ये सुनिए फिर आगे चलते। How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because Israel, what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open-air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years. अच्छा जी, फिर जब कुछ भी नहीं बना ना, आप इंटरव्यू सुनेंगे, आप देखेंगे, जब कुछ भी नहीं बना स्टीफन से, तो वो फिर आगे इंटरनल पॉलिटिक्स पे कहते हैं, जी वो हमास तो कहती है कि हमारे साथ लोग हैं और इस तरह है, और वो जनाब आपसे सियासत में आगे निकल जाएगी, तो वो ये कहते हैं कि यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ सफरिंग। इस मामले में जो फलिस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है उसमें हम इकट्ठे हैं। अच्छा, फिर वो कहता है हमास का खात्मा किस तरह किया जा सकता है, हमास का खात्मा किस तरह किया जाता है, तो वो कहता है कि यू कांट, जो है वो आप बुलेट के जरिए नहीं कर सकते किसी भी नजरिए को खत्म, आप टैंकों के जरिए नजरिए को, आप तोप के जरिए, आप उसके जरिए जनाब मार्टर गोले के जरिए किसी नजरिए को खत्म नहीं कर सकते, आप बैलेट के जरिए नजरिए को खत्म कर सकते हैं। आपने किसी को वाइप आउट करना है तो बैलेट के जरिए करना है, ये कौन सा असूल है कि आप बुलेट के जरिए किसी को वाइप आउट करें, क्या कमाल जवाब उसने दिया। अच्छा, आगे चलते हैं, उसने कहा जी होल सेल डिनाइल ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ फिलिस्तीनियन हो रहा है। अच्छा, जिस तरह वो मतलब होता है ना, स्टीफन ऊपर आता है ना सवाल एग्रेसिव करके, लेकिन यहाँ पे जनाब असाम जमलोट ने उसे ऊपर आने ही नहीं दिया, वही पूरे पूरे इंटरव्यू में वो हावी रहा। अच्छा जी, और फिर वो कहता है यू आर आस्किंग अबाउट इलेक्शन, इलेक्शन तो भाई जी तुम्हारी वजह तो ऐसे नहीं करा पा रहे, आप तो इतना जुल्म कर रहे हैं, बेसिक राइट्स नहीं दे रहे। और फिर वो कहते हैं कि वो यरगमालियों के बारे में आप क्या कहें, उसने कहा कि यरगमाली और कैद में जो जिसकी कैद में है उसका तो दिल था ना, वो बार बार इस पे आ रहा था कि ये अब्बास को, क्योंकि अलग अलग है ना हमास और ग्रुप, पीएलओ और ग्रुप अलफता फलस्तीन लिबरेशन की वो जो सारा सिलसिला है वो अलग अलग सारा है ना, तो पीएलओ अलफता हमास वो उसमें आ रहा था। अब पाकिस्तानी कोई बैठा हुआ था जैसे खान साहब के अंदर के, ओ जी डकैत इन चोर इन जी ये है वो है, नवाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं, जरदारी साहब कुछ कहते हैं, लेकिन उसने कहा कि जनाब यरगमाली जिस साइड से भी हैं, यरगमालियों के हकूक होते हैं और वो जो है वो उनके साथ अच्छा हसलूक किया जाना चाहिए, लेकिन उसने कहा हम क्या करते, अब बताएं हमारे लोग पिछले 50-60 साल से जलील हो रहे हैं, मर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, हमने एहतजाज किया हमारे बंदे मार दिए, हम पुरअमन एहतजाज करने जाते हैं हमारे बंदे मार देते हैं, 200 बंदा मार दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करते हैं कोई, तो क्या करना है फिर, लड़कों ने गन ही उठानी है यार,
मतलब उसके कहने का यह मकसद था। अच्छा, फिर वो कहता है कि क्या हम भी सारे कानून लागू होते हैं, क्या हमें ये सारे कानून, हमें ऐसे लगा गया कि इंटरनेशनल लॉ जो है उससे हमें एक्सेप्शन है, हमारे लिए कोई ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन शील्ड कुछ भी नहीं है, और इसराइल के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ आया ही नहीं, वो रोंदे चाहे जो मर्जी करे, उसने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अगर कैसे हम अपनी जमीन को, जमीन को हम डिफेंड करेंगे, जमीन को हम डिफेंड करेंगे, एक एक चप्पे को डिफेंड करेंगे। आप देखें जब ये आए थे, ये यूके, यूके को उसने सीधा कहा, यूके इसका जिम्मेदार है, जब ये आए थे कितनी हमारी आबादी थी, कितनी जमीन हमारे पास थी, जो हमारा एक मुआहदा इनके साथ इवन हमने किया था पीएलओ ने, उसको ये कहां तक लेके आया, इन्होंने किसी मुआहदे का पास रखा, इन्होंने बच्चों को मारा, इन्होंने औरतों को मारा, अभी भी ये जनाब आम लोगों पर बमबारी कर रहे हैं। और साथ उसने कहा कि हमास तो एक ग्रुप है ना, एक मुसल्ला ग्रुप है, टेररिस्ट उसने नहीं कहा, कहीं भी उसने टेररिस्ट नहीं कहा, उन्होंने कहा मुसल्ला ग्रुप है, और बार बार उसकी स्टीफन की कोशिश थी ये एक बार टेररिस्ट कह दे और फिर वो उठा लेंगे हम, तो उसने कहा मुसल्ला ग्रुप है इसराइल, तो हुकूमत इसराइल ये सारा कुछ कर रही है। अच्छा जी, फिर उसने कहा कि बीबीसी में ही रिग्रेटेड, जब उससे पूछा गया कि जनाब आप रिग्रेट करते हैं, तो जवाब ये आया कि असल में इंटरनेशनल कम्युनिटी हैड नॉट हीडेड देयर आवर वार्निंग्स फ्रॉम ऑल द ईयर एंड दैट द इशू बिटवीन फलस्तीन एंड इसराइल वाज अलाउड टू फेस्टर ऑफ डिकेड। ये उसने कहा भाई क्यों कंडेम करूं, मेरा बंदे मार रहे हो यार, की ये कैसा कैसा कंडम है। और फिर उसने कहा हर जाया होने वाली जिंदगी चाहे इधर हो रही है उधर हो रही है, मुझे दुख है लेकिन इस तरह नहीं पाएगा। और फिर उसने जब पूछा गया फिर किलिंग के हवाले से, तो उसने कहा दिस वाज नीदर राइट क्वेश्चन नॉर द इंपॉर्टेंट। यार जिस अंदाज में वो बंदा बोला है ना, हमारे हम हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो कोई अच्छा एम्बेसिडर हो ना, मतलब मिसाल के तौर पे, अब मैं क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन को देखता हूँ, मैं फॉरेन ऑफिस को कवर करता हूँ, अब डॉक्टर फैसल को ले लें, डॉक्टर फैसल आपके एक शानदार जो है वो डिप्लोमेट है, आपने क्या किया 2 महीने पहले उसके खिलाफ कौन कंपेन चला रहे थे जी, 2 महीने पहले डॉक्टर फैसल के खिलाफ कंपेन चला रहे थे नून लीग वाले, और अब 2 महीने बाद कौन कंपेन चला रहे हैं पीटीआई वाले, नून लीग वाले ये चला रहे थे कि डॉक्टर फैसल हमैती है, पीटीआई का कोई ट्वीट पुराना कोई निकाला हुआ था, पता नहीं सही था गलत था, वो चला रहे थे, सही था चलो, वो 2011 का ट्वीट लेके चला रहे थे कि जी वो बरतानिया में बैठा है, वो उसकी हेल्प कर रहा है इमरान खान की, और वो इमरान खान के, और जनाब अब नून लीग वाले एक वीडियो आ गई, हालांकि ये तयशुदा असूल है कि जब भी कोई भी जब सरबराह मुमलिकत आता है किसी मुल्क में और वापस जाने लगता है, तो जो मकामी डिप्लोमेट होता है वहां पे, हाई कमिश्नर है बरतानिया में, अमेरिका में अगर वो है पाकिस्तान का स्पीच, वो उसे सी ऑफ करने आता है, इसलिए क्योंकि उसको थोड़ा सा हाई कमिश्नर का प्रोटोकॉल होता है, लाइन से बात जाते हैं और बाकी चीजें होती है। तो आपने डॉक्टर फैसल के साथ क्या किया, मतलब आपको जो अल्लाह एक डिप्लोमेट दे देना ना, वो असि वहीं बेड़ा कर देने, बाकी क्या होता है, बाकी कभी आपके जनरल आ जाते हैं डिप्लोमेट बन के, कभी मलिया लोधी जैसे नॉन कैरियर आ जाते हैं, कभी जनाब वो मोहतरमा शीरी रहमान आ जाती हैं, और कभी आपको पता चलता है कि जनाब फलां के रिलेटिव, फलां मीडिया ऑनर के रिलेटिव, फलां जनाब जो है पैसे वाला बंदा है उसके रिलेटिव, उसको जनाब अमरीका में फलां जगह पोस्ट कर दिया गया है। और मैंने शायद खान अब्बासी से सवाल भी पूछा था उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रिलेटेड, कि ये कहा जा रहा है कि इतनी करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट एयर ब्लू में के बाद जनाब वो सदीकी साहब जो है उनको लगाया गया, बहरहाल उन्होंने तो डिनाइल किया था लेकिन खबरें यही थी, और बाकायदा तौर पर कोई ऐसे चीजें नहीं सामने आई थी कि कोई उनका बहुत बड़ा मेरिट बनता था। बहरहाल वो कहानी, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उसमें नहीं जाना चाहता, मैं इसी पे आना चाहता हूँ। और फिर हसाम ने बड़े तरीके से, उसने कहा कि जनाब देखें जब इसराइली मारे जाते हैं मीडिया फोकस करता है, जब फलस्तीनी शहीद होते हैं मीडिया बिल्कुल जो है वो फोकस नहीं करता है, और जब तलबीब से कोई जुल्म होता है तो मीडिया सुकून से सो जाता है। अभी आप अगर देख लें तो एक टीआरटी यानी अल जजीरा टीआरटी वगैरह, उनके अलावा कौन, बीबीसी सीएनएन, इंतहाई बायस्ड किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस वक्त। और फिर उसने जनाब
बड़े वाजे अंदाज में ये सारे जो हैं वो असल जो चीज़ मुझे पसंद आई है ना, जिस अंदाज में उसने आईना दिखाया है ना स्टीफन, मेरे ख्याल में बड़े कम लोगों में इतनी करज होती है जो करज असाम ने दिखाई है। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि वो ज़रूर इस इंटरव्यू के देखें। इसलिए कहा जाता है कि जो डिप्लोमेट कार्रवाई डाल सकता है ना भाईजान, वो और कोई नहीं डाल सकता। लेकिन वो डिप्लोमेट चाचे ताए फुफी दे पुत्र या रिटायर्ड जनरल साहब ना हो, अगर वो आए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये इंटरव्यू फिर मैंने पूरा देखा, मुझे बार बार ये भी लगे कि ये एडिटेड, यहाँ से एडिटेड, बतौर साफ ही सानू समझ आ जाती भाई। लेकिन मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों को और फॉरन ऑफिस को ये सीखना चाहिए कि वो लोग लगाएं बड़े ममालिक में सफ़ीर जो वहाँ पर बात कर सके, जो वहाँ पर अपना नैरेटिव बेच सके। और दूसरी बात ये है कि जनाब जब हम सफीर लगाने लगते हैं तो हम ये देखते हैं हमारा वफादार कौन है, जो भी हुकूमत लगाने लगती है तो उनको ये देखना चाहिए कि रियासत का वफादार कौन है, जो है वो हुकूमत का वफादार नहीं देखना। और आखिरी बात कि क्या कश्मीर का मसला में ये जमलोट का आप इंटरव्यू सुनेंगे ना, इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि कभी आज तक पाकिस्तान के किसी सफारतकार को किसी इंटरनेशनल मीडिया पर इस अग्रेसिव अंदाज में कश्मीर का मसला, खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद आपने लड़ते हुए देखा? तो नहीं, मैंने तो फॉरेन मिनिस्टर को नहीं देखा, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं देखा। क्या जी जमलोट की बात सुने, और वो जो साहब कह रहे थे कि 30 मिनट एहतजाज करेंगे, 2 मिनट के लिए खामोश रहेंगे, 1 मिनट के लिए ये करेंगे, आधे मिनट के लिए फलां करेंगे। एक वो रियासतें होती हैं और एक ये रियासत है फलस्तीन, इस वक्त किस हालत से गुजर रहा है। लेकिन जो सबसे बात मुझे पसंद आई वो यही कि उसने इंटरनल कन्फ्लिक्ट की जानब नहीं जाने दिया। उसने कहा जब हम अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं तो तमाम फिलिस्तीन। अब तक लेते हैं अपने वो सैयद अमशराज को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने